एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के की रोटी और सरसों का साग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे मैंने मक्का 6 किलो ले रखी है और उड़द की दाल है ये 3 किलो। इस कॉम्बिनेशन से अगर आप मक्के की रोटी बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी एंड बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ मैं इसको कैसे कॉम्बिनेशन इसका बनाती हूँ वो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे छन्नी आप ले लें इस टाइप से, इतनी बड़ी छन्नी लेनी पड़ेगी आपको। सारा मक्का आप इस टाइप से डाल के इसे छान के और भीन लीजिए। इसमें थोड़े बहुत कंकड़ होते हैं और इस टाइप के कंटेनर में डाल के इसमें अब हम मिक्स करेंगे दाल। तो ये 3 किलो मैं उड़द की दाल डाल रही हूँ और इसका आपको कंप्लीट वीडियो अगर देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको मैं मशीन का लिंक भी बता रही हूँ कि कौन सी मशीन मैंने ली है। तो इस टाइप से मिक्स करने के बाद ही आपको मैं डायरेक्ट आटे का दिखाऊँगी कि ऐसे रोटी बनाते हैं। आप भी ये वाला आटा बना सकते हैं इजीली, आप एक बार ट्राई करके देखें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आटा बन चुका है, यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार डालना है। और यहाँ पे आपको हमेशा आटा गर्म पानी से गूंदना होगा। तो यहाँ पे गर्म पानी डालकर मैं गूंद रही हूँ आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद। पाँच मिनट के लिए आप आटे को ऐसे रख देंगे आटा गूंदने के बाद, उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो मक्के की रोटी हमेशा थोड़ी मोटी बनती है तभी टेस्ट आता है, तो लोई काफ़ी मोटी मैंने ले ली है। इस टाइप से आप आटे में प्रेस कीजिए 2 बार। इसके बाद हम इसे चकले पे रख के बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा जो वीट की रोटी होती है उसको ही आप इस टाइप से बेल सकते हैं, मक्के की रोटी कभी भी इस टाइप से बेल नहीं पाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है उससे रोटी बहुत इजीली बन जाती है और आप आराम से 5-6 लोगों को बैठा के खिला सकते हैं। रोटी बेल चुकी है, तवा हमेशा अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद ही मक्के की रोटी डालिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमने पलट दिया है। अब इसके बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे। तो मेरी गैस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आपको मैं अच्छे से क्लिपिंग दिखा नहीं पा रही हूँ, पर ये अगर आपकी गैस अच्छी हो तो ये बहुत अच्छे से सेक जाती है। इस टाइप से आप सेक के खा के मज़ा लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।